गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज विशाल बंसल। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग, जिसमें हमने सीखा था डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से मोड्स हैं, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे हम पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स की और कैसे रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड थी और आज मैं एक वीडियो आपको अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही हमारे पास टॉपिक है, लेकिन उसमें जो सब टॉपिक है वो रियलाइजेशन के ऊपर आज हम डीप में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कैसे अकाउंट बनता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पॉइंट आता है तो कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब हम करेंगे तो हमें चार अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहला जो अकाउंट बनाना है हमें, वो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसके बारे में आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जो अकाउंट हम बनाते हैं, एक हम बनाते हैं पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। एक जो बनाया जाता है वो अकाउंट बनाया जाता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल का अकाउंट। और इन द एंड जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ये जो तीन टॉपिक है ये ज्यादा वाइडर टॉपिक नहीं है, जरूरत इनकी भी है नो डाउट, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आपका डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कंप्लीट नहीं हो सकता, वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। आज की वीडियो जो रहेगी वो रियलाइजेशन कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो है ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट के बारे में। देखें, जो रियलाइजेशन कंसेप्ट है, सबसे पहले तो रियलाइजेशन को एक्चुअल है क्या, रियलाइजेशन है आपका वसूली खाता, वसूली अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली अकाउंट का मीन होता है कि जब आपकी फर्म बंद होने की पोजीशन पे पहुंच जाएगी और आप उसे बंद करना चाहते हैं तो हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है और उसमें हमारी जितनी भी एसेट या लाइबिलिटी है, एसेट को बेच दिया जाता है, बेच करके रुपया इकट्ठा किया जाता है और उससे जो हमारी लाइबिलिटीज है हम उनकी पेमेंट करते हैं। यही हमारा क्या है, एक रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट में ये सब सीखते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट करने से पहले आपके पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बैलेंस शीट ली हुई है। ये बैलेंस शीट मैंने कंपनी की नहीं ली है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट ली है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपको बैलेंस शीट पता होगा, आपकी लेफ्ट साइड जो है लाइबिलिटी है, राइट साइड जो है आपकी एसेट है। एसेट में आपके पास मैंने जो है पहले से उसको डिवाइड कर दिया है। फिक्स्ड एसेट भी होती है आपके पास में, करंट एसेट भी होती है आपके पास, और एक आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना, तक आपको पता होगा एक्यूमुलेटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन इसमें मैंने एक चीज क्या किया कि गुडविल को एक फिक्स्ड एसेट ही ट्रीट किया है, एक एक्यूमुलेटेड लॉस के रूप में जो है ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो गुडविल है वो एक ऑर्डिनरी एसेट के रूप में ही ट्रीट होती है, नॉट लाइक द एक्यूमुलेटेड लॉस जो हम एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं ना। तीन लॉस हम लेके चलते हैं, गुडविल का, प्रॉफिट लॉस का, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये लेके चलते हैं। उन्हें पार्टनर कैपिटल में डेबिट किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ दो को ही लेके चलेंगे, एडवर्टाइजमेंट को और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को ही। ठीक है ना, गुडविल अदर एसेट की तरह ही ट्रीट होगी। क्लियर है? इस साइड मैंने लाइबिलिटी ली है, लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने ले लिया है, करंट लाइबिलिटी मैंने ले लिया है, उनमें पार्ट डाल दिए हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के मैंने वो चारों आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं, आगे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया है, कैपिटल अकाउंट, एबीसी का कैपिटल। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको। और ये टोटल जो है मैंने क्रॉस मार्क के रूप में दिए। ठीक है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, आइए समझते हैं। देखिये, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जाएंगे ना, मैं साथ साथ जर्नल एंट्री भी करूंगा और साथ साथ क्वेश्चन भी, क्योंकि जर्नल एंट्री में मैं मान के चल रहा हूँ कि एबीसी लिमिटेड है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड मतलब ए बी और सी तीन पार्टनर की ये जो पार्टनरशिप फर्म थी उनकी ये बैलेंस शीट है। अब ये फर्म को डिजोल्व करने जा रहे हैं, कारण कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इनके बेस पे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हम एसेट को उठाएंगे, बैलेंस शीट गिवन होगी, एसेट को उठा, एसेट में जो भी एसेट आपको दिखाई दे रही है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट,
ठीक है, उसको उठा करके आप अपनी रिलाइजेशन अकाउंट में कहां डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे, ये आपकी डेबिट साइड, क्लियर है। तो आप उठा करके डालना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि प्लांट है, यहां पे लिखे टू प्लांट, टू मशीन, ठीक है। गुडविल भी याद रखिए ऑर्डिनरी एसेट के रूप में ट्रीट होगी, तो गुडविल को उठा करके भी इसी तरफ लिख देंगे टू गुडविल, ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्हें लीजिए यहाँ पे एज इट इज डाल दीजिए, ठीक है, समझ आ गया इस चीज को। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए, हमारे पास करंट एसेट के अंदर एक आइटम होता है कैश का भी, होता है ना, बिल्कुल होता है कैश का आइटम, कैश या बैंक एसेट साइड में ही होता है, उसको कभी भी हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड में नहीं डालेंगे। उसके पीछे का रीजन सुन लीजिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि कैश या बैंक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, हमारे चार अकाउंट बनते हैं, इन द एंड मैंने आपको क्या बताया था, कैश या बैंक अकाउंट, तो कैश या बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो बैलेंस शीट में गिवन होगा, वो किस अकाउंट में चला जाएगा, उस कैश अकाउंट के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे वो नहीं आएगा, क्लियर है इतनी चीज, समझ गए ना, चलिए ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको कर लेंगे, अगर अब आपसे इसकी जनरल एंट्री पूछने लग जाए, क्या जनरल एंट्री करेंगे, तो देखिए मैंने आपको कई बार अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ये एक लेजर है आपके पास, रियलाइजेशन एक लेजर है, हेडिंग क्या डली हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड है और ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है। अगर कोई भी चीज रियलाइजेशन के डेबिट में है तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, रियलाइजेशन टू मशीन, रियलाइजेशन टू गुडविल, मतलब हमें डेबिट किसको करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को करना है। तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, हम जनरल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू मशीन, क्लियर है, समझ रहे होंगे ना इस चीज को, टू डेटर्स, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम कर लेंगे इस चीज को, ठीक है ना, और अमाउंट हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कर सकते हैं जनरल एंट्री, ये पास हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज का आप जो है ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे ना हर चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ। देखिए आपके पास करंट एसेट में ये डेटर वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, कई बार डेटर कैसे दिया होता है, ऐसे ये डेटर लिख दिया आपको एसेट में, कितने भी अमाउंट का हो सकता है, और उसमें से आपको लेस क्या कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये लेस कर देते हैं कितने भी अमाउंट का हो सकता है, और फाइनल अमाउंट यहाँ पे डली होती है, ऐसे होता है ना क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो डेटर की अमाउंट होगी वो तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर किसी तरह का प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो प्रोविजन क्या करके लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लियर है इतनी चीज, समझ गए। प्रोविजन और भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रोविजन हो सकता है, जो भी प्रोविजन होंगे, प्रोविजन किस तरफ आएंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आएंगे, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और देखिए फिर जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि प्रोविजन की जनरल एंट्री पास करेंगे, तो आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, अब ये किस तरफ है रियलाइजेशन के, क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन के, तो जनरल एंट्री क्या होगी, कोई भी प्रोविजन हो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रोविजन है तू क्या कर देंगे, रियलाइजेशन, समझ रहे हैं ना, ये सब प्रोविजन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएंगे, क्लियर है, कर लेंगे पास, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में, यहां तक सबको सब चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज आ गई भाई, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस, और एक्यूमुलेटेड लॉस में दो लॉस है, एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल को अब एडमिशन रिटायरमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे,
ठीक है, अब ये जो लोसेज है इन लोस को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में, पार्टनर कैपिटल भी बनाना होता है ना, चार अकाउंट में होता है हमारे पास में, तो ये जो सीधे लोस है किस में चल जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में चल जाएंगे। पार्टनर कौन है, एबीसी है ना, तो जनरल एंट्री आपको पता ही है, क्या जनरल एंट्री पास करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्लियर है यहां तक, जनरल एंट्री ये पास कर देंगे, रियलाइजेशन में इसको नहीं डालेंगे, समझ गया ना, रियलाइजेशन में इसको नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे, पार्टनर कैपिटल। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझ आ गया वीडियो का, कुछ ना समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके देखेगा, ठीक है ना, समझ गए इस चीज को, हमने इनको किस में डाल दिया, पार्टनर कैपिटल में डाल दिया है, समझ गए इस चीज को, ठीक है, जनरल एंट्री आ गई आपको, चलिए आगे। अब आ जाते हैं हम लायबिलिटी साइड, किस साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड। अब देखिए इसको ध्यान से सुनना, लायबिलिटी साइड से आपको जो भी लायबिलिटी दिखाई दे रही है उस लायबिलिटी को उठा करके आप कहां डालेंगे, पार्टनर कैपिटल में, क्रेडिट साइड में, करंट लायबिलिटी हो नॉन करंट लायबिलिटी, जो भी चेंज आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले लायबिलिटी उठाते हैं, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी है, बैंक लोन है, बैंक लोन उठा करके आप लिख दीजिए, किस तरफ लिख देंगे आप, क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के, लिख दिया आपने, ठीक है। एक ही वाइफ का लोन है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे दो चीज लिया, ए वाइफ लोन और ए लोन। ए की जो वाइफ है वो फर्म में पार्टनर नहीं है, उसको एक आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हुए यहाँ पे लिखेंगे बाय एज वाइफ लोन, क्लियर है। लेकिन ए जो है वो फर्म का पार्टनर है, ए फर्म का पार्टनर है, तो ए के लोन को हम रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ए के लोन को हम किस में डाल देंगे, लोन अकाउंट में, याद है ना, चार अकाउंट बनाने होते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट। इट्स मीन पार्टनर लोन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो जो ए एक पार्टनर है तो उस लोन को कहां डाल देंगे, ए के लोन अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर है इस चीज को, समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी ना, ठीक है। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दे रखे हैं, लिख दीजिए उठा करके इनको भी क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे, समझ गए आप, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से एक बार, अगर आपको पूछ ले जनरल एंट्री पास करो, ये सब चीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में है ना, तो जनरल एंट्री आप क्या पास करेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, एज वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है ये जनरल एंट्री, मतलब लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जा रहे हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, समझ गए इस चीज को, किसी को कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे, ठीक। अब आइए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हमारे पास चार प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व। क्या ट्रीटमेंट करके आए हो, एडमिशन और रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट लॉस में। जनरल एंट्री क्या पास किया आपने, यही तो जनरल एंट्री पास किया ना, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, है ना, और जनरल रिजर्व या कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर, जनरल एंट्री आती है ना ये पास करनी, है ना, तो यही पास करनी है हमें जनरल एंट्री, और किस में जा रही है, पार्टनर कैपिटल में, क्रेडिट साइड। किसी को कोई इशू, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में डालने की गलती मत करना, समझ गए हैं, किसी को कोई इशू, कर लेंगे। एक चीज में यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनना एक बार, वो बात है आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्डिंग, उस चीज को यहीं पे क्लियर कर लो। अगर आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है, अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट वर्ड दे रखा है,
तो ये इन्वेस्टमेंट तो कहा जाएगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट है, और ये जो रिजर्व बनता है ये इसी एसेट के लिए बनता है, ये रिजर्व मानते हो ना इस चीज को। तो याद रखना, अगर आपको एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, और आपको लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो आपने करना क्या है, आंख मीच के सीधा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइव रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में डाल देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, समझते हो इस चीज को, सीधा आंख मीच के वहां डाल देना। आपने ये मत देखना जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में हमसे कहते ना भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 होगी, 50,000 थी आज 45,000 रहेगी, भाई 5,000 कम होगी तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 5,000 निकाल के तो वहां रख लेते हैं रिवैल्यूएशन में, आगे पार्टनर कैपिटल में बांट देते, नहीं वो ट्रांजेक्शन नहीं करनी अब हमें, हमें क्या करना, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उठाकर रियलाइजेशन में क्रेडिट में डाल देना, अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो, अगर नहीं दे रखी है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सीधा पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट कर दो जैसे हम एंट्री करते आए हैं। ये पॉइंट याद रखना, क्लियर है, समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, लास्ट में कैपिटल दे रखी है आपको, एबीसी की कैपिटल है ना, हमेशा याद रखना जो एबीसी की कैपिटल है कभी रियलाइजेशन में नहीं जाएगी, वो सीधा की कहा जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में, याद है ना, चार अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर लोन, कैपिटल और कैश या बैंक का बैलेंस, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट किस में चला जाएगी, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, जनरल एंट्री समझ में कोई प्रॉब्लम कर लेंगे ना, जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास में, ये अकाउंट की हो जाएगी हमारे पास में, कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात आती है रियलाइजेशन की, हमें बैलेंस शीट से जो लेना होता है, समझिए। अब इसमें जो कुछ चीज ऐड होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से सीखना, तब जाकर के आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये अभी तक ना हम इसका फर्स्ट हाफ सीख रहे थे रियलाइजेशन, अभी तक जितना सीखा ना ये बैलेंस शीट के बेस पे फर्स्ट हाफ था रियलाइजेशन का, अभी सेकंड हाफ स्टार्ट होगा। सेकंड हाफ क्या होगा, बैलेंस शीट के नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी मिलेंगी क्वेश्चन में, और उन इन्फॉर्मेशन में ये जो एसेट या फिर जो ये लाइबिलिटी इनके रिगार्डिंग चीजें होंगी। अब क्या होगा, ये जो एसेट है ये बेचने का काम बताएगा कि भाई क्वेश्चन में जो प्लांट है, प्लांट की वैल्यू 10,00,000 रुपया है, 10,00,000 रुपया है, और क्वेश्चन वाला कहेगा मैंने ये प्लांट 9,00,000 रुपए का बेच दिया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं तो एसेट कितने की भी बिके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे मान लो 10,00,000 की एसेट है, 9,00,000 में बेच दी, तो 1,00,000 का क्या हो गया आपको, लॉस हो गया ना। अभी सोच विचार में मत बैठना कि 1,00,000 का लॉस को कहाँ डालू, अब वो 1,00,000 का लॉस कहीं नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ जो 10,00,000 की एसेट 9,00,000 में बिके ना वो दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, सुनो ध्यान से, जब भी आपकी एसेट बिकेगी ना, तो एसेट बिकेगी तो रुपया रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालना है, और लाइबिलिटी की जब पेमेंट करेंगे ना तो वो डेबिट साइड, मतलब कैसे काम करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में काम करेगा। एसेट सब यहां आ जाएंगी और लाइबिलिटी पेड करने के टाइम पे सब कहां आ जाएंगी, यहां आ जाएगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई काम करेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, जैसे देखिए कोई भी एसेट है जितने में भी बिके, तो आपने क्या करना है, यहां पे एक हेडिंग डालना बाय बैंक, हेडिंग क्या डालना, बाय बैंक, या कैश में बिके तो बाय कैश, ऐसे हेडिंग डाली। अब बेचने लग जाओ, जैसे प्लांट जितने का भी बिका लिख दो अमाउंट यहां पे, जैसे कि मशीन जितने की भी बिकी लिख दो अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। गुडविल कितने की भी बिकी लिख दो अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। डेटर्स कितने के भी बिके लिख दो अमाउंट यहाँ पे, ठाक है, समझ आ रहे हो। ये मत देखना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, मान लो अगर मशीन थी 50,000 की, बिकी 60 की, तो 60 ही लिख दो यहाँ पे, प्रॉफिट कहा जाएगा ये मत सोचो, ये मत लिखो, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं लिखना, ठीक है। गुडविल थी 20,000 की, बिकी 5,000 में, लिख दो 5,000 ही लिख दो उठा करके यहाँ बाय गुडविल में, क्लियर है, समझे इस चीज को। लॉस प्रॉफिट का नहीं सोचो, जितने का है उतने का ले, किसी को कोई प्रॉब्लम। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ना एक प्रिंसिपल 11th में आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, या जिसे प्रूडेंस प्रिंसिपल कहते हैं। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है, कि हमें फ्यूचर में होने वाले सभी लॉसेज को तो आज ही एडोप्ट कर लेना, मतलब लॉस को तो आज ही एडोप्ट कर लो, और या कोई एक्सपेंस होने वाला उसको तो पेड करेंगे ही, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में कोई लाभ होने वाला है, उसको कभी एडमायर नहीं करेंगे, यही बात होती है ना। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, मान लो डेटर आपके पास 20,000 के थे, और नीचे ना
डेटर के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिख रखा कि भाई डेटर कितने के बिके, डेटर से 5,000 रिकवर हुए, 2,000 रिकवर हुए, 1,000 रिकवर हुए, कुछ नहीं लिख रखा। तो आप क्या मान लेना, पूरे ही डेटर को लॉस मान लें, पूरे डेटर को क्या मान लेंगे लॉस, मतलब भाई डेटर से कोई रिकवरी नहीं हुई है, ठीक है, तो डेटर का अमाउंट ही नहीं लिखेंगे आपको उठाकर, समझे। इन्वेस्टमेंट दे रखे, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की थी और इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे नहीं, खत्म, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जीरो, समझे इस चीज को। टोटल करो और टोटल अमाउंट यहां ले, किसी को कोई प्रॉब्लम कर लेंगे, समझ आया। जर्नल एंट्री अगर आपसे पूछे तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है। अब देखो नॉर्मली क्या करेगा बच्चा, बच्चा करेगा कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू मशीन, ऐसे करने लग जाओगे, गलत, अगर ऐसे करने लग गए गलत, ठीक है। करनी क्या है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा बैंक या कैश, क्योंकि देखो ये जितनी चीज है ये इसके सब हेड में काम कर दिया, समझ लो ये इसके सब हेड में काम कर दिया, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और नरेशन में लिखोगे कि भाई प्लांट इतने का बिका, मशीन इतने की बिकी, उनका सब टोटल करके मान लो ये सब चीज 2,00,000 की बिकी, तो 2,00,000 की फाइनल अमाउंट की जर्नल एंट्री पास होगी। किसी को कोई डाउट कर लेंगे, क्लियर है ये वाली चीज, समझ गए ना। वीडियो को रिवाइंड करके देखना अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ पे समझ गए इस चीज को। अब एक चीज पे आते हैं, देखना एक बार ध्यान से इस चीज को। मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट आपके पास 50,000 रुपए की थी और इन्वेस्टमेंट को बी एक पार्टनर है उसने ले लिया, इन्वेस्टमेंट को बी एक पार्टनर उसने ले लिया कितने में, 40,000 में ले लिया, समझ रहे। इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, बी ने 40,000 में ले लिया। अब कैश में तो रिकवरी हुई नहीं, तो क्या लिखे, हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बी कैपिटल लोन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट टेकन। कोई भी एसेट कोई भी पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय कैश करके नहीं, उस पार्टनर का नाम करके लिख देंगे, ठीक है। कितने रुपए की, 40 की ली ना, तो 40,000 यहाँ पे, क्लियर है। अब कोई आपसे जनरल एंट्री पूछने लग जाए तो भाई हमें तो बहुत सिंपल है, जनरल एंट्री हमें तो पास करने आते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में है ना, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे फर्नीचर या इन्वेस्टमेंट टेक, क्लियर है ये जनरल एंट्री, कर लोगे पास। चलिए आइए अब आ जाते हैं डेबिट साइड में, अब खत्म होने की कगार पे है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, अगर यहां तक आपको समझ आ गया है तो, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटी पे आते हैं, जो भी आपको लायबिलिटी दिखाई दे रही है, मतलब नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई इतनी इतनी लायबिलिटी बची, सब लायबिलिटी को पेड कर दीजिए। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिए, कैसे पेड करेंगे, ऐसे बाय बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखिए एक्सपेंस पेड, अमाउंट यहां डाल दीजिए, ठीक है। आपके पास क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर पेड कर दिए, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर पेड, ठीक है। बाय बैंक जैसे कि बिल्स पेबल, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अमाउंट यहां पे। और कितने का भी पेड किया हो, क्रेडिटर 60,000 के थे, 40,000 रुपए दे दिए और उन्होंने राजी होगी, इतने में भी कोई नहीं, इतने रुपए दे दो, ठीक है, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को कहां डालने, कहीं डालने की जरूरत नहीं है एज ए एसेट की तरह। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने एसेट के बारे में क्या बताया था, अगर एसेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे तो एसेट की वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन एक चीज याद रखना, लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा ना, जैसे देखो नीचे कुछ नहीं कह रखा कि ए की वाइफ का लोन कितने रुपए में पेड किया गया, तो हमेशा प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, भाई लॉस तो हर हाल में पेड करना ही है, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी ए की वाइफ का लोन तो पेड करना ही पड़ेगा। बैंक लोन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कितने रुपए में पेड किया, तो अगर 10,000 का बैंक लोन था ना, आप पे मैंडेटरी है बाय बैंक लिखो और ब्रैकेट में लिख दो कि बैंक लोन हमने पेड कर दिया, समझ आई भाई, किसी ना कोई प्रॉब्लम, कर लोगे। जनरल एंट्री सिंपल है, अगर जनरल एंट्री पूछने लगे तो क्या करोगे, मान लो आपने क्रेडिटर पेड की जनरल एंट्री पास करनी है तो क्या करोगे भाई, ये रियलाइजेशन के डेबिट में है तो ये एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्या ये एंट्री करोगे, गलत। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन में क्या लिखोगे, क्रेडिटर पेड,
छह नंबर का हमेशा डिजोल्यूशन से जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई 12th में जनरल एंट्री का होता है, ये याद रखना ठीक है। जिसको अकाउंट बनाना आता होगा ना उसे प्रॉपर जनरल एंट्री आती होगी। आपने ए की वाइस का लोन पेड किया, क्या जनरल एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू ए वाइस लोन? गलत। जनरल एंट्री क्या पास होगी? जनरल एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा, सॉरी नरेशन में लिखा जाएगा एज वाइस लोन पेड। समझे इस चीज को, क्लियर है? और क्या हो कि किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर पेड करने लग जाए, किसी लायबिलिटी को अगर कोई पार्टनर पेड करने लग जाए, मान लो ये जो बिल है ये बिल सी ने पेड कर दिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सी, सॉरी ये बाय करके नहीं आता भाई, मैं थोड़ा सा फ्लो में ज्यादा लिख गया, टू करके आने में ये सारी अमाउंट, ठीक है ना, मैं गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे टू करके, टू सीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्स पेड, क्लियर है? जितने के भी पेड करे उतने अमाउंट, जैसे वो एसेट ली थी ना उसी तरीके से। किसी को कोई डाउट? जनरल एंट्री क्या पास करोगे? जनरल एंट्री आप ये पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नरेशन में क्या लिखेंगे? बिल्स पेड, कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे, एक बुक लेकर के बैठना जो है, जैसे मैंने एक बार वीडियो दिखाई आपको, उसको लाइन टू लाइन रीड करना, पूरा कंसेप्ट वे में जो है हर एक बुक ने प्रोवाइड करवा रखा होगा, डीके गोयल में भी है, अदर बुक्स में भी आपको मिलेगा, ठीक है। फिर भी आपको जो है कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। अब क्या करना आपको, सुनो एक बार ध्यान से, अब सारी चीज तो हो गई है ऑलमोस्ट, तो मैंने कवर कर दिया, यहाँ पे एक आध कोई रह गई होगी तो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा देंगे। अब आपको करना क्या है, टोटल करना है। देखिए अगर रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है और आपका डेबिट साइड क्या है, छोटा है, तो करना क्या है, क्रेडिट में से क्रेडिट और डेबिट आएंगे तो इक्वली, भाई ये तो रूल ही है, ड्यूल एक्सेप्ट प्रिंसिपल है ना। तो करना क्या, मान लो क्रेडिट का टोटल 10 लाख आ गया, आपने डेबिट के सारे आइटम का टोटल कर लिया, इस तरह से क्या बच जाएगा, टू प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, और प्रॉफिट ट्रांसफर किस किस में होगा, ए कैपिटल में होगा, बी कैपिटल में होगा और सी कैपिटल में होगा। रेशो कौन सी रहेगी? बिल्कुल सही, ओल्ड रेशो रहेगी, समझ लो। और अगर मान लो क्रेडिट का साइड ज्यादा आ जाए और डेबिट का साइड ज्यादा आ जाए और क्रेडिट का साइड छोटा आ जाए, तो क्या बचेगा, लॉस बचेगा। लॉस किस में बटेगा? पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशो में बटेगा? बिल्कुल सही, ओल्ड रेशो के अंदर ही बटेगा, क्लियर है। प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। और लॉस की क्या एंट्री करोगे? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट, होप सो कि कुछ समझ आया होगा, ठीक है। इस वीडियो से अगर आपको 60-70% भी समझ आता है, 50% भी आता है, 50% एक बार बुक में से पढ़िएगा, एक बार दोबारा फिर वीडियो देखिएगा, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। लेकिन एक बार पहले अकाउंट करना जरूरी है, देन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आते हैं इसके, ठीक है। और जर्नल एंट्री आती है पेपर में इसकी, जरूर जर्नल एंट्री भी तब कर पाओगे जब आपको एक बार अकाउंट पे होल्ड होगा, ठीक है। तो एक बार प्रॉपरली रियलाइजेशन करिए, आज मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे स्टडी करेंगे इसकी। फिर भी कोई क्वेरी आती है, मेरे फोन नंबर यहाँ पे मेंशन है, कभी भी फोन करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, तो मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी आपकी कोशिश करूँ, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।